नमस्कार दर्शकगणों, मेरे प्रदेशवासियों, देशवासियों, मैं नवीन पुरोहित आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारा देश, प्रदेश और समूचा विश्व कोरोना नामक एक विभीषिका से जूझ रहा है और सरकारों के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर पूरी तैयारी से इसको रोकने की कवायदें की जा रही हैं, लेकिन इस विभीषिका से जूझने के लिए जो शासन, प्रशासन, सरकार हमसे उम्मीद करती है, हमें निश्चित रूप से उन दिशा निर्देशों का भी अक्षरशः पालन करना होगा, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, स्वच्छता का ख्याल रखें और अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें जब तक कि आपकी जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण ना हो। पीएम ने आह्वान किया है कि एक दिया जलाओ, तो जैसे जलता दिया है रोशनी के लिए, ऐसे आप भी जलो औरों की ज़िंदगी के लिए। हमें इस बीच में अपने साथियों का, अपने सहकर्मियों का, अपने आस पड़ोस का, अपने से जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखना है। आर्थिक, सामाजिक, जो भी मदद हम उनकी कर सकते हैं हम उनकी मदद करें और ये हौसला बनाए रखें कि ये देश आत्मविश्वास, आस्था, श्रद्धा का देश है और इस देश की जो जिजीविषा है, इस देश की जो जीवटता है, वो बहुत दृढ़ है, बहुत मजबूत है। इस देश की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, तो हम निश्चित रूप से इस विभीषिका से पार पाएंगे और इससे उभरेंगे और ज़िंदगी एक बार फिर से पटरी पर आएगी। ज़िंदगी फिर से वैसे ही चलेगी जैसे चलती रही है और ये विभीषिका हमें बहुत कुछ सिखा के जा रही है कि हमें प्रकृति के अनुसार ही विकास करना है। प्रकृति का विनाश करके हम ज़िंदगी को बचा नहीं सकते। तो निश्चित रूप से आप सब एहतियात बरतें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और सारे दिशा निर्देशों का पालन करें। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, नमस्कार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक हाँ।